जम्मू को बचाना है, 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 ठाकुर शहर से। देखिए आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन था ये जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से था, जिस तरह से देखा कि जब से हमारे स्टेट को यूटी बनाया गया जिस तरह से हालात हुए हैं आपको देखा होगा कि रोज यहाँ पे नया कानून यहाँ पे लागू किया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे जिस तरह से टोल प्लाजों की बात हो, चाहे बांड शॉप की बात हो, जो हमारे जम्मू के मुद्दे हैं जहाँ पे पहले कहा जाता है कि हमारे जम्मू के साथ डिस्मिशन होता है, लेकिन जिस तरह अभी आपने हालत देखी होगी और हमारे जम्मू प्रशासन का जो हमारा मेन मकसद है, मकसद ये है कि जो जम्मू के मुद्दे हैं जो जम्मू की लड़ाई उसके लिए लड़ना, सबसे हमारी ये पहली डिमांड ये है कि हमारा जो स्टेट होता है उसको वापस मिलना चाहिए और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जम्मू के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, अगर क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है कोई सुनवाई नहीं है, कम से कम यहाँ पे पहले असेंबली होती थी, कल को किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी वो कंसर्न एमएलए के पास जाता था, उसको अपनी परेशानी बताता था, और जो भी कल कोई शहर की कोई मुद्दा होता था वो असेंबली में उठाते थे, जो कंसर्न एमएलए होते थे तो उस पर कार्रवाई होती, उस पर काम होता, लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं हम जम्मू प्रशासन मंच का यही मकसद है कि जो जम्मू के मुद्दे हैं उनको मुद्दों को उठाना और जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं जिस तरह हमने पहले आपको बोला, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे टोल प्लाजों की बात हो, जिस तरह से हमारा जो हाई कोर्ट का उसको शिफ्ट किया जा रहा है रायका में, इसलिए हमारा जो आज धरना प्रदर्शन यही था कि जो हमारे जम्मू के मुद्दे हैं उनको उठाना और जो जम्मू की आवाज़ है जो कंसर्न अमृतसर को पहुंचाना, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी 5-6 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए है और गवर्नर रूल है और गवर्नर रूल में जिस तरह से हर दूसरे यहाँ पे कोई नया कानून लागू किया जाता है, हम यही बोलेंगे आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए और एक डेमोक्रेसी यहाँ पर लागू किया जाए।